मोनी जी रुकिए, मोनी जी एक वॉक, मोनी जी वॉक, मोनी जी उधर ही। अरे 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 क्या कर रहा है? भाई क्या कर रहा भाई? देखो जी, एक साथ में अरे मैम 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 फोटो नहीं यहाँ पे देखिए दादा पीछे कौन है मैम इधर मैम यो लग गया किया था उसके बाद गैप हो गया, उसके बाद मैं आया, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मेरे से भी ज़्यादा एक्साइटेड होगा मेरे बारे में एक्साइटेड ना। और जैसे कि इन्होंने बताया बच्चे हैं तो बहुत सारा एंथुजियाज़म है इनमें, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और मेरे लिए तो इट्स द फर्स्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ जज, बहुत अच्छा लगा। शादी की वजह से तो कोई प्रेशर नहीं है, बट आई गेस मैं अच्छा करना चाहती हूँ, स्पेशली व्हेन यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू उसको इनवाइट कर सकूँ। और बच्चों, मैं आप लोगों को सबको गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इतने सालों से रियलिटी शो करता है, मैं हैरान हो गया हूँ। सो इमेजिन आप लोगों का क्या होता है, क्योंकि इन सबको देख के, क्योंकि टैलेंट इतना कमाल का है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आते हैं, शायद ऊपर से भगवान देता है इनको, इतने इतने से बच्चे हैं और पता नहीं कहाँ से क्या क्या सीख के आते हैं। क्रम्पिंग जो नाम बोलो आप, वो छोटे छोटे शहरों से बच्चे सीख के आ रहे हैं, मतलब 4 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, और सबके सब कमाल करने वाले ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस हो जाता है। आप मैं दोनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए वर्क और फैमिली दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सो आई गेस अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो और प्रायोरिटीज ठीक हो लाइफ में, फर्स्टली डी आई डी लिटिल मास्टर इज गोइंग टू बी ऑन एयर आफ्टर लॉन्ग टाइम एंड इट इज कमिंग बैक होम फॉर यू एंड मैम इट विल बी न्यू फॉर यू, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? मैं तो यही बोलूँगा कि भाई 11 साल बाद वापस आ रहा हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, और एग्जैक्टली वही फीलिंग है, क्योंकि बच्चा अगर कहीं बाहर चला जाता है पढ़ने और उसके बाद कई सालों बाद वापस घर आता है, जो फीलिंग आती है, आई थिंक मुझे वही एग्जैक्टली सेम फीलिंग है। और मैं बहुत एक्साइटेड, क्योंकि बच्चों का मैंने आज तक नहीं किया, इतने सालों से मैं रियलिटी शो कर रहा हूँ लेकिन बच्चों को आज तक मैंने जज नहीं किया। एक दो शो में ऐसे गेस्ट बन के गया हूँ लेकिन मैंने फुल फ्लेज कोई भी शो नहीं किया है जिसमें मैं बच्चों को जज कर रहा हूँ। सो दिस इज फर्स्ट फॉर मी ऑल्सो, जैसे मोनी के लिए फर्स्ट है वैसे मेरे लिए भी फर्स्ट है। दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट एवर जजिंग शो है, एंड इमेजिन लास्ट टाइम जब मैंने एक रियलिटी शो किया था तो रेमो सर जज कर रहे थे, मेरा ओनली डांस रियलिटी शो जो मैंने किया है वो रेमो सर जज कर रहे थे, तो उनके पास बैठना पहले तो बहुत ही ओवरवेलमिंग, हम्बलिंग और एक
बहुत ऑनर की बात है और मैं कोशिश कर रही हूँ, आई एम डूइंग ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप दैट मैं इन बच्चों को जो कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड हैं उनको ठीक तरह से थोड़ा बहुत सलाह दे सकूँ। एंड सर, ये जो शो है इसका इम्पोर्टेंस बहुत माने जाता है, कितना इम्पोर्टेंस है इंडिया में ऐसे शो को इम्पोर्टेंस देना? बहुत होता है क्योंकि इतने सालों से जब हमने, और मैं सारा श्रेय एक्चुअली DID को देना चाहूँगा क्योंकि हमको भी नहीं पता था इससे पहले, हम लोग भी कोरियोग्राफी करते थे और हमको नहीं पता था कि देश में डांस की जो चेंज है वो कितना ज़रूरी है। जब हमने DID पहला स्टार्ट किया था कुछ 13 साल पहले, तब हमको समझ में आया कि यार यू नो ये जो सेक्शन है ये बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है और DID से पूरा चेंज आया है एंड थैंक गॉड के वो एक प्रथा चलती आई है और जो डांस का जो पूरा का पूरा एक जो वेव है वो चलता आया है और अब जाके इन बच्चों को देख रहे हैं जो शायद हमने जब स्टार्ट किया था तब बच्चे तो पैदा भी नहीं होंगे, अब वो बच्चे पैदा हुए हैं और 4-4 साल के हैं और वो सीख के आ रहे हैं। दैट मीन्स वो जो चेंज है वो हमारे देश में काफ़ी बड़ा चेंज लाया है और ना ही देश में पूरे वर्ल्ड में लाया है। मैम, आफ्टर मैरिज दिस विल बी योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, सो हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ? देयर इज नथिंग टू बैलेंस एंड थैंकफुली आई हैव अ हस्बैंड हु इज वेरी सपोर्टिव ऑफ एवरीथिंग दैट आई डू, सो एवरीथिंग इज फाइन। और यू नो ये एक्चुअली बहुत, जैसे सर ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मंच है जो ना कि लोगों को खाली अपॉर्चुनिटीज देता है यहाँ डांस करने के लिए बल्कि अपनी लाइफ को, उनके किसी मोस्ट लोगों की लाइफ सेट हो जाती है लिटरली। और डांस एज अ सेक्शन ना पहले ऐसे होता था, इनफैक्ट जैसे सर ने बोला कि 13-14 years back इतना कोई इतनी जागरूकता नहीं थी इसके बारे में, सो DID इज सोल हैंडेडली आई बिलीव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज एंड दिस वेव फॉर टू कम। एंड यू फर्स्ट टाइम यू वी आर सीइंग यू एज अ जज एंड रेमो सर भी है, सो आर यू नर्वस, आर यू एक्साइटेड? आई एम वेरी नर्वस, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लर्निंग एवरी डे फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम रेमो सर एंड सोनाली मैम, एंड आई होप आई विल बी एबल टू जस्टिस टू द पोजीशन दैट आई हैव बीन गिवन। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. After a few days, so how excited are you? After a few years, yeah. Actually, इस स्टेज पे 4 साल के बाद आ रही हूँ जी के स्टेज पे। लास्ट टाइम मैं इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के सेट से आधा छोड़ के गई थी न्यूयॉर्क में ट्रीटमेंट के लिए और 4 साल के बाद आज यहाँ पे स्टेज पे खड़ा होना, आई कैन नॉट टेल यू, बहुत इमोशनल मोमेंट है, बहुत ग्रैटिट्यूड वाला मोमेंट है क्योंकि वेल उस टाइम लगा नहीं था कि मैं वापस आके यहाँ पे खड़ी हूँ, बट कुछ भी पॉसिबल है और ये समझ में आ जाता है मुझे यहाँ पे देख के। सो बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ग्रैटिट्यूड है, कहीं पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे लगता है क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है व्हाट आई वेंट थ्रू, तो कहीं पे लगता है कि अगर ये मौका मुझे मिला है, लाइक सेकंड चांस जैसे मुझे मिला है, तो उसका मैं क्या करूँ, उससे कुछ अच्छा कर सकूँ, उसको कुछ यू नो मेक इट मैटर इज़ व्हाट आई फील। सो फिंगर्स आर क्रॉस्ड, आई होप कि ये जो सेकेंड चांस मिला है उसको मैं अच्छा बना सकूँ। DID लिटिल मास्टर्स इज इंटरेस्टिंग फॉर मी बिकॉज मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रियलिटी जब हम करो बच्चों में कुछ एक प्योर एनर्जी होती है, झूठ नहीं बोल पाते हैं ज़्यादा, जो भी बोलते हैं सच निकल ही आता है उनके मुँह से। सो आई एंजॉय वर्किंग विद किड्स। मैंने डांस शो आज तक कभी जज नहीं किया था लेकिन डांस शो का अपना ही मज़ा है, वहाँ पर बैठ के बच्चों का डांस देखना आई थिंक इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग दैट आई कैन एवर सी। सो मुझे ये काम तो लगता ही नहीं है, ये मज़ा ही मज़ा है। इसमें सिर्फ छोटी तो बुरी बात एक ही होती है जहाँ पे जब बच्चों को ना बोलना पड़ता है वही बात सिर्फ बुरी लगती है, बाकी तो सब मज़ा है इसमें। एंड हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद मोनी मैम? इतने साल इंडस्ट्री में होने के बावजूद रेमो, मोनी और जय तीनों से मैं इससे पहले कभी मिली नहीं थी, तो पहली बार उनसे मिली हूँ और जो प्यार और एनर्जी उनसे मिली है वो इतनी अच्छी है दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। मुझे तो मज़ा आ रहा है उनके साथ, उनको मज़ा आ रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता। जी की मैं बात करूँ तो जी हैज हेल्प यू अ लॉट एंड कमिंग बैक टू जी एंड जजिंग अ शो, तो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो उस चीज़ के लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज लाइक आई सेड जी के हमेशा ही होम ग्रोन शोज रहे, उन्होंने शोज
अपने बनाए हैं और यहाँ से जो टैलेंट निकला है वो हमेशा कहीं ना कहीं एक लेवल पे पहुँचा है. सिर्फ विनर्स नहीं, जो भी टैलेंट निकलता है, बी एड सारे गामा ए आई डी ड्रामेबाज के बच्चे थे, उन्होंने हमेशा एक नाम बनाया है अपने लिए. सो आई थिंक ये जो एक प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा टैलेंट निकलता है और बहुत ही रूटेड टैलेंट निकलता है. थैंक यू सो मच मैम. Going to be on air after few days, and it is coming back home for you. Yeah. And what do you want to say? नहीं, कमिंग बैक टू होम तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने ये शो शुरू से मैंने ही किया है और आज तक किसी को मौका नहीं दिया कि कोई और कर सके. सो आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी अगेन कि मैं ये शो को होस्ट कर सकूँ. एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज बच्चों का शो है, बच्चों के साथ मेरा भी एक बचपना आ जाता है, मेरे अंदर भी एक यू नो एक एनर्जी हाई हो जाती है बिकॉज मेरे घर में भी बच्चे हैं तो वो सब देखते देखते यू नो वहाँ पर जो मैं मस्ती करता हूँ वो ट्राई करता हूँ वो सेम मस्ती मैं यू नो ऑन स्टेज यू नो क्रिएट कर सकूँ. And I'm happy and glad that, you know, I've got a chance to work with some talented actors also. Remo, you know, Sonali ma'am and Moni, they are fantastic. Badi masti hui hai ye do teen din ke shoot mein. So I am so sure that, you know, logon ko bhi bahut pasand aayega. And this time judges try is new. How you are looking forward to work with them? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पैनल है हमारा. रेमो सर यू नो एवरीवन नोज़ कि यू नो उनकी कोरियोग्राफी और उनके वो जो जजिंग को कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता. तो ही इज़ देयर. सोनाली मैम यू नो अमेजिंग कनेक्ट विद दी पीपल. वो जो कहते हैं ना कोई अपना सा लगता है ना वो स्टेज पर वो है कि जब कोई कॉमन मैन और उनकी फैमिली आती है तो उनको ऐसा लगता है नहीं सोनाली जी तो हमारी अपनी ही है. वो खुल के वो ना वो अपने इमोशंस जाहिर कर पाते हैं. एंड मोनी और मेरी तो मतलब एग्जैक्टली बताओ तो एकदम टॉम एंड जेरी वाली दोस्ती चल रही है. बहुत खींचा किया हूँ मैंने, बहुत ज़्यादा क्लास लिया हूँ. तो या इट्स फन टू यू नो वर्क विद ऑल थ्री. एंड रिसेंटली यू डिड अ रियलिटी शो एंड नाउ कमिंग बैक टू डांस रियलिटी शो. तो रियलिटी शो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस है? रियलिटी शो ऑफकोर्स यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज समथिंग यू नो आई एन्जॉय वर्किंग. इससे मैं एज जय भानुशाली प्रेजेंट होता हूँ, नॉट एज सम कैरेक्टर जो एक शो में हम प्ले करते हैं. एंड आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल यार, ये सब करने में बड़ा मज़ा आता है. लोगों के साथ यू नो मस्ती करने में आपको यू नो मस्ती करने के पैसे मिल रहे हैं तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है. एंड वॉट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर लुकिंग फॉर अवर इंडिया पीपल For this show, what kind I just want कि 12 मार्च से जी टी वी पर आ रहा है डी आई डी लिटिल मास्टर्स रात 9 बजे. तो प्लीज़ उसे देखिए, उसे प्यार दीजिए. बिकॉज याद रखिए कि 13 साल पहले यही शो था और यही एक चैनल था जिसने एक विजन देखा था कि कॉमन मैन रियलिटी शो यू नो भी एक सक्सेसफुल शो हो सकता है. और उन्होंने वो पहले थे जिन्होंने यू नो हिंदुस्तान को मौका दिया था अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. एंड एक विजन था उनका और वो विजन years में ही पता चला कि आज 13 साल हो चुके हैं उस विजन को स्टार्ट किए हुए. एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग रियलिटी शो. तो आई वॉन्ट कि आप सब उतना प्यार दें, उतना यू नो प्रेम दें जो आपने शुरू से लेकर अभी तक हमें दिया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yeah, look here, ma'am. One, done. Thank you. Thank you. Dada, come here, Dada. Moni, ma'am, here. Moni, here. Red blood. Moni, ma'am, here. Par. Moni, here. Yeah, look. Ma'am. Moni, ma'am, here. Moni, ma'am. मैम मैम यहाँ पर मोनू जी. थैंक यू. थैंक यू. मैम वन डन. संजीव भाई चलो. थैंक यू.